नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं आपको विवाहिक जीवन के ऊपर कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं, शायद तीन वीडियो से पहले बनी है, ये चौथी वीडियो है। मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको एक कुंडली दिखाना चाहता हूँ, एनालाइज करके कैसे हम देखते हैं कि विवाह के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ग्रहों का। इससे लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने एक कुंडली को एग्जाम्पल लेके आपको बताया था कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है। इस कुंडली के अंदर भी हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं, क्योंकि ये कुंडली थोड़ा टिपिकल टाइप की कुंडली है। इस कुंडली में क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुंडली ये वाली, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। एक सेकेंड आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें ये देखिए आप, यहाँ ये कुंडली है एक जातक की, इसका आप डेट्स सब कुछ नोट कर सकते हैं यहाँ से। एडिट से मैं दिखा देता हूँ आपको, एडिट बर्थ डेटा में मैं आपको डेट्स दिखा देता हूँ सारी। ये है एक जातक की पत्रिका है जो मुझे मिली थी पुणे से। इसकी डेट है 30 मई 2011 के दिन ये पैदा हुआ है। टाइम शाम का 5 बजे 17 बजे, महाराष्ट्र पुणे। ये डिटेल्स आप नोट करके रख लीजिए तो आपको ये पत्रिका बीच में एक्सरसाइज में काम आएगी। तो आशा करता हूं कि आपने ये डेट्स नोट कर ली होंगी। और इसका जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि स्टडी फ्यूचर, कि इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, ये चीज इसमें उन्होंने पूछी थी इसके अंदर। तो हम उसी को स्टडी करते हैं कि कैसा इसका वैवाहिक जीवन रहेगा, कैसा इसका फ्यूचर रहेगा, क्योंकि अभी 2011 यानी कि मुश्किल से 9 साल का बच्चा है। तो वही हम लोग इसको कुंडली को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो सातवां भाव है आपका, सातवें भाव में मैक्सिमम ग्रह बैठे हुए हैं। और ये मैक्सिमम ग्रह से क्या होता है कि जब भी किसी भाव में मैक्सिमम ग्रह बैठे हों तो वो भाव हमेशा दिखाता है कि उस भाव में कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। तो वो अप्स एंड डाउन्स को दिखाता है भाव। और दूसरी चीज ये कि जैमिनी मत के अंदर भी ये कहा गया है कि जिस राशि में मैक्सिमम ग्रह बैठे हों वो राशि बहुत बलवान हो जाती है। और पाराशर सिद्धांत में भी कहा गया है कि जिस राशि में, जिस घर के अंदर या जिस भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हों, आदमी को जीवन भर उस भाव के रिजल्ट रहते हैं। तो ये रिजल्ट मिलने की इस तरह से संभावना है। इसका मतलब इस जातक के जीवन में, क्योंकि आप देखिए ना, 3 और 2 5 ग्रह बैठे हुए हैं सातवें भाव में, तो इन्हीं पांचों ग्रह की दशा आती रहेगी, अंतर दशा आती रहेगी, प्रत्यंतर दशा आती रहेगी। तो मतलब होल लाइफ में आपको 90% टाइम इन्हीं भाव के, सेवंथ भाव के रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। आप सेवंथ भाव से संबंधित रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। तो अब कैसे रिजल्ट होंगे, कैसा इसका वैवाहिक जीवन होगा, कैसा इसका, क्योंकि मेन तो वैवाहिक जीवन का टॉपिक हमारा चल रहा है, इसलिए मैंने आपको ये कुंडली दिखाई कि इसके अंदर एक ही भाव में जो विवाह वाले भाव है उसके अंदर 5 ग्रह बैठे हैं, तो कैसे एनालाइज करें। लेकिन इस कुंडली को हम थोड़ा सिंपल करने के लिए एक एनालाइज कर लेते हैं और इसके कुछ मेन भाव को हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे हम स्टडी करते हैं लग्न को। अगर आप लग्न को देखें तो लग्न पे वीनस लग्न को देख रहा है, यानी भाव पर भावेश की दृष्टि है। ये बहुत अच्छी चीज है, वीनस इसका लग्नेश है और ये इसको देख रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। ग्रहों की दृष्टि भी इसके ऊपर है, जुपिटर की दृष्टि है, वीनस की दृष्टि है, 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि है, मंगल और बुध, ये 2 अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी इसके ऊपर बनी हुई है। यानी ये जो लग्न है, इस लग्न पे अगर आप देखें तो वीनस भाव की दृष्टि है जो भावेश है, और भावेश की दृष्टि होना बहुत अच्छा होता है। किसी भाव पे उस भाव के मालिक की, स्वामी की दृष्टि हो तो भाव बहुत बलवान हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ इस पे 3 शुभ ग्रह, जुपिटर चंद्रमा शुक्र की दृष्टि है, तो दो साथ में 2 अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी इस भाव पर पड़ी हुई है। तो ये तो हुआ भाव के बारे में। अब अगर हम देखें भावेश, भावेश क्या है इसका, वीनस, वीनस शुक्र है। तो पहले हमने भाव स्टडी किया, भाव हमने देखा ठीक है, मतलब कुछ अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, कुछ शुभ की दृष्टि है, और केंद्र में है
तो वो चल रहा है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अपनी स्वामी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है। भाव ठीक है। अब भावेश देखें तो भावेश वीनस केंद्र में बैठा हुआ है, लग्नेश यानी कि जो लग्नेश है वीनस वो केंद्र में बैठा हुआ है। अब वो केंद्र में बैठे होने की वजह से वो अच्छा है, लग्नेश का केंद्र में जाना अच्छा होता है। यही लग्नेश को अगर हम नवांश पत्रिका में देखें तो नवांश पत्रिका में ये लग्नेश त्रिकोण में गया है, तो ये भी अच्छी बात है। अगर यहाँ केंद्र में होता और यहाँ छठे आठवें भावे में आ जाता वीनस तो उस केस में नुकसान हो सकता था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवांश पत्रिका को देखना है अपने ग्रहों की स्ट्रेंथ के लिए, कैसे देखते हैं आज मैं वो भी आपको बता दूंगा बीच में, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि ये बताइए कि नवांश पत्रिका कैसे देखते हैं, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट कैसे देखते हैं, और ये मैं आपको अभी ब्रीफ में समझा दूंगा। तो आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट हो, चाहे वो नवांश हो या होरा हो, तेजस्कोण हो, कोई भी चार्ट हो, उस तरीके से आप वो चार्ट देख सकते हैं, और उस चार्ट में उसके अलावा कुछ भी देखने की आपको जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रहों की स्ट्रेंथ को भी जरूर देखना चाहिए नवांश कुंडली के अंदर, कि कौन सा ग्रह यहाँ कौन किस भाव में बैठा है और नवांश कुंडली में किस भाव में चला गया है। अगर कोई ग्रह इस कुंडली में उच्च का है और नवांश कुंडली में वो नीच का हो गया है तो उसकी ग्रह की स्ट्रेंथ में कमी हो जाती है। या कोई ग्रह इस कुंडली के अंदर बहुत अच्छे भाव में बैठा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, लेकिन यहाँ छह आठ बारे में चला गया तो भी उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि वीनस जो लग्नेश है पहले भाव का मालिक, वो अपने केंद्र में गया हुआ है, यानी केंद्र के भाव में बैठा हुआ है, जो कि अच्छी बात है, और साथ ही साथ नवांश कुंडली के अंदर भी वो त्रिकोण में गया है, ये भी एक अच्छी बात है। तो भावेश भी इसका ठीक हुआ। अब देखते हैं कारक। कारक फर्स्ट भाव का होता है सूर्य। अब सूर्य जो कारक होता है, सूर्य गया है आठवें भाव में, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। और सूर्य नवांश कुंडली में देखें तो यहाँ भी थर्ड भाव में गया है। थर्ड भाव भी कोई अच्छा भाव नहीं होता, हालांकि बहुत खराब नहीं होता, एफर्ट्स का भाव होता है, अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहने का भाव होता है, बट स्टिल त्रिकोण और लाभ वाले भावों से तो इसकी प्रायोरिटी नीचे आती है। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य इसमें कमजोर थोड़ा हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इस बच्चे का मान सम्मान अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन माइनर हेल्थ इश्यूज इसको हो सकते हैं, क्योंकि कारक जो है वो अष्टम भाव में है, पीड़ा भाव में है, तो थोड़ा माइनर हेल्थ इश्यूज इसको हो सकते हैं स्पेसिफिकली सूर्य की दशा के अंदर। वही एक इसमें चीज है, बाकी इसके अंदर कोई ऐसी कुंडली के अंदर कोई ऐसा चीज नहीं है। मतलब स्वास्थ्य अच्छा है, बच्चे का मान सम्मान अच्छा होगा, बच्चे का चरित्र अच्छा रहेगा, बच्चा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ माइनर हेल्थ इश्यूज सूर्य की दशा में ये हो सकते हैं, क्योंकि इस कारक इस कुंडली का आठवें भाव में आ गया है। अगर इस कुंडली में हम इस बच्चे के धन की स्थिति देखें तो धन की स्थिति क्या देखें, धन की स्थिति में देखते हैं तो धन भाव में देखें कि राहु बैठा हुआ है और केतु की दृष्टि है, साथ में सूर्य की दृष्टि भी है। तो धन भाव पे एक पाप ग्रह बैठा हुआ है और दो पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो धन भाव थोड़ा कमजोर है। धन भाव का स्वामी मंगल बनता है, मंगल गया है केंद्र में, अपनी राशि में बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, अच्छी चीज है। और मंगल को अगर हम नवांश पत्रिका में देखें तो मंगल नवांश पत्रिका में आठवें भाव में चला गया, ये अच्छा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि भाव हमारा अच्छा नहीं था, भाव में पाप ग्रह बैठा हुआ था, दो पाप ग्रहों की दृष्टि थी, भावेश जरूर हमारा ठीक हुआ था, केंद्र में गया था, स्वय राशि में बैठा हुआ था, लेकिन नवांश में जाके वो भी अष्टम भाव में हो गया, शत्रु राशि में हो गया, तो ये भावेश भी हमारा इतना अच्छा नहीं रहा। कारक देखें, कारक कौन होता है, गुरु। गुरु से कारक है, गुरु केंद्र में बैठा हुआ है, सातवें भाव में बैठा हुआ है, और गुरु किसकी राशि में है, मंगल की राशि में है, जो कि मित्र की राशि कहलाती है। तो कहने का मतलब है गुरु ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम इसको ऑब्जर्व करें और कारक को हम यहाँ भी देखें नवांश कुंडली में, तो वहां भी वो जुपिटर आपका थर्ड भाव में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि धन ऐसा मल्टी मिलियनर नहीं रहेगा, धन ठीक रहेगा, मतलब विपुल धन नहीं होगा इस जातक के पास, विपुल धन नहीं होगा, लेकिन ये नहीं कहेंगे धन की कमी होगी, क्योंकि विपुल धन इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाव कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, भावेश भी थोड़ा कमजोर हो गया है, लेकिन कारक अच्छा है, कारक इसका मुस्लिम राशि में बैठा हुआ है, तो ये एक छोटी सी इसके अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। और साथ ही साथ अगर हम लग्नेश, लग्नेश हमारा बनता है शुक्र और धनेश बनता है मंगल, शुक्र और मंगल का एक्सिस देखें तो ये सम सप्तक का एक्सिस है, दोनों एक ही भाव में बैठे हैं, तो वन वन का एक्सिस मान लीजिए या सम सप्तक का एक्सिस मान लीजिए, वन वन सेवन का मान लीजिए, तो मतलब ये एक्सिस सम सप्तक होने से
या एक्सिस 1-1 का होने से, 6-8 का एक्सिस ना होने से, 2-12 का एक्सिस ना होने से ये बहुत अच्छा है। अगर इसी में लग्नेश में और धनेश में 6-8 का एक्सिस होता, मतलब एक दूसरे से 6-8 नंबर पे वो होते, एक लग्नेश से धनेश 8वें नंबर पे होता, धनेश से लग्नेश 6ठे नंबर पे होता या वाइस वर्सा, तो वो चीज खराब हो जाती है, या 2-12 एक्सिस होता तो भी खराब हो जाता है, लेकिन यहाँ एक्सिस भी ठीक है। हाँ, हालांकि नवांश कुंडली में अगर आप देखें तो नवांश कुंडली में लग्नेश हमारा कुछ का बनता है शुक्र और धनेश बनता है इसका हमारा मंगल, तो शुक्र मंगल का एक्सिस यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3-11 का है, मंगल से शुक्र बैठा है 1-2-3 भाव में और वीनस से मंगल बैठा है 11 भाव में, तो ये भी एक्सिस बहुत अच्छा एक्सिस है, 3-11 का एक्सिस बहुत अच्छा भाव है। 11वां भाव बढ़त का भाव होता है, 3रा भाव एफर्ट्स का भाव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सिस बहुत अच्छा है लेकिन भाव भावेश कमजोर है, पर कारक ठीक है, तो विपुल धन तो नहीं होगा पर धन होगा, ये हम कह सकते हैं। अब इस कुंडली में अगर हम आते हैं कि इस बच्चे की एजुकेशन के विषय में हम लोग सोचें, अगर एकेडमिक एजुकेशन के विषय में इसकी हम सोचते हैं तो क्या चीज हम देखते हैं, तो देखिए जैसे आपको मालूम है कि एकेडमिक एजुकेशन जब तक की एजुकेशन ऐसी होती है कि घर वाले छोड़ने जाते हैं, मतलब बेसिकली आप ले सकते हैं कि 12th तक की एजुकेशन जो होती है ये हम सब 4th हाउस से देखते हैं, और जो ग्रेजुएशन एंड अबव की जो एजुकेशन होती है हायर एजुकेशन वो हम 5th भाव से देखते हैं। तो अगर आप देखें एजुकेशन का जो स्वामी है, एजुकेशन भाव का स्वामी, पहले वैसी भाव भावेश कारक देखते हैं। भाव अगर देखें तो भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, भाव में किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, जुपिटर की भी दृष्टि इसके ऊपर नहीं है, यहीं पड़ जाती है, तो भाव में किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो भाव ठीक है, भाव में कोई इफेक्ट नहीं है, ना कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है, ना कोई पाप ग्रह की दृष्टि है, ना भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है शुभ या पाप, तो भाव ओके है। भाव का स्वामी बनता है शनि, शनि गया है 12वें भाव में, ये अच्छा नहीं हुआ, शनि गया है 12वें भाव में ये अच्छा नहीं हुआ। और शनि को अगर आप नवांश कुंडली में देखें तो वहां भी वो 3रे भाव में गया है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, ये भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये भावेश की जो प्रॉब्लम है या भावेश की जो शक्ति है वो इस कुंडली में डाउन हुई है। कारक कौन होता है? कारक जो 12th कॉलेज तक के लिए जो कारक होता है या जो मिडिल क्लास ये एजुकेशन होती है, एकेडमिक एजुकेशन होती है, उसके लिए बुध होता है। तो बुध को अगर आप देखें तो बुध इस कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? बुध इस कुंडली में केंद्र में बैठा हुआ है, और बुध इस कुंडली के अंदर, नवांश कुंडली के अंदर आप देखें तो यहाँ भी वो केंद्र में बैठा हुआ है, तो कारक ठीक है। मतलब एकेडमिक एजुकेशन उसकी बहुत स्कॉलर बच्चा नहीं रहेगा, ठीक रहेगी, क्योंकि भावेश इसके अंदर कमजोर हो गया, भाव ठीक था लेकिन भावेश पे अगर आप देखें तो ये एक प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाती है। तो एकेडमिक एजुकेशन बस ये समझिए कि आप ये ठीक ले जाएगा, बहुत ज्यादा अगर, क्योंकि आप देखें इसका चंद्रमा भी, अगर आप देखें चंद्रमा कुंडली में मंगल की राशि में बैठा हुआ है, मंगल जो है चर राशि कहलाती है, मंगल की राशि है चर राशि कहलाती है, तो चंद्रमा मतलब चर राशि में है, तो चंद्रमा थोड़ा चलायमान चंद्रमा है, और चंद्रमा सूर्य के नजदीक आने वाला है, मंगल के पास साथ बैठा हुआ है, बुध के साथ बैठा हुआ है, तो थोड़ा बच्चा मतलब मन तो पढ़ाई में उसका इतना ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मन तो थोड़ा कमजोर उसका रहेगा, चंद्रमा थोड़ा कमजोर है, तो लेकिन यह है कि एकेडमिक एजुकेशन को वो खींच ले जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम से होगी नहीं। अगर हायर एजुकेशन देखें, हायर एजुकेशन देखते हैं तो इसका भी जो स्वामी है वो भी आपका 12वें भाव में गया है, तो ये भी अच्छी चीज नहीं है। यहाँ भी वो नवांश कुंडली में 3rd भाव में गया है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, ये भी अच्छी चीज नहीं है, ये भी नुकसान हुआ है इसके अंदर। और कारक देखें तो कारक जुपिटर होता है इसका, कारक जुपिटर है, कारक जुपिटर यहाँ पे ठीक बैठा हुआ है, और यहाँ वो जुपिटर 3rd भाव में बैठा हुआ है, सूर्य और शनि के साथ है नवांश कुंडली में, तो ये भी ठीक नहीं बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा स्कॉलर नहीं होगा, बच्चे का पढ़ने में ज्यादा मन नहीं होगा, एकेडमिक शिक्षा वो खींच के ले जाएगा पर हायर एजुकेशन वो ठीक ठीक करेगा, ऐसी कोई लंबी चौड़ी एजुकेशन करने वाला वो नहीं है, मतलब एटलीस्ट ग्रेजुएट हो गया या इस तरह से कोई चीज हो गया या उसके बाद कोई अपना व्यवसाय वगैरह ऐसी कोई चीज वो कर लेगा। अगर हम इसके सप्तम भाव को देखते हैं, सप्तम भाव में देखते हैं तो सप्तम भाव में अगर आप देखें तो कितने सारे ग्रह हैं, 2, 4 और 1, 5 5 ग्रह सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव इसका मजबूत है क्योंकि मंगल भाव का स्वामी है और मंगल अपने भाव में बैठा हुआ है, तो गुड, ये एक बहुत अच्छी चीज है, भावेश अपने भाव में है तो ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन D9 कुंडली में अगर हम देखें, नवांश कुंडली में, तो भावेश मंगल 8वें भाव में गया हुआ है, तो ये अच्छा नहीं हुआ, ये इसकी पोजिशन में डिटोरेशन हुआ है।
तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि D9 कुंडली के अंदर भी हम देखें कि वो ग्रह किस भाव में गया है। यहाँ भावेश, अच्छा भाव में देखें तो भाव में 5 ग्रह हैं। भावेश तो देखें तो भावेश आपका मंगल है, मंगल इसके अंदर भाव में बैठा हुआ है, तो ये एक थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हाँ, तो इसमें जो आपको हम दिखा रहे थे वो बता रहे थे इसके अंदर के आपका 5 ग्रह इसके अंदर बैठे हुए हैं इस वाले भाव में। तो 5 ग्रह बैठने का मतलब ये है कि इस भाव में अप एंड डाउन रहेंगे। जातक के जीवन में इस भाव का बहुत प्रभाव रहेगा और जातक जीवन भर इसके बारे में बहुत सोचता रहेगा, यानी उसका दिमाग हमेशा सांस्कृतिक सुख, सांस्कृतिक जो आपके भोग विलास हैं इन चीजों में ज्यादा उसका दिमाग, विवाह के चीजों में ज्यादा दिमाग, चिंता इन चीजों में ज्यादा दिमाग उसका दिमाग रहेगा, क्योंकि चंद्रमा भी इसी भाव में बैठा है। तो चंद्रमा होता है मन का कारक, मन के कारक का मन का विवाह के भाव में आने का मतलब यह है कि ऐसा आदमी हमेशा विवाह के लिए या विवाह के बारे में चिंतित रहेगा कि ठीक है क्या है क्या नहीं है, सब चीजें चिंतित रहती है, ध्यान ज्यादा रखेगा विवाह के विषय में। तो ये मैंने आपको बताया कि इस कुंडली में 5 ग्रह बैठे हुए हैं, और ये भी बताया कि मंगल इसका स्वामी है, मंगल वहीं बैठा है, तो भाव तो वो मजबूत है, लेकिन भाव स्वामी मंगल है वो D9 कुंडली में 8वें भाव में गया है, तो ये एक अच्छी चीज नहीं हुई, तो यहाँ प्रॉब्लम इसके अंदर हो जाती है। कुंडली का कारक देखें, शादी का कारक कौन होता है, विवाह कारक होता है शुक्र। शुक्र भी अपने ही भाव में बैठा हुआ है, हालांकि वो शत्रु राशि के अंदर है, मित्र राशि में नहीं है। शुक्र मंगल और शुक्र दोनों आपस में मित्र नहीं होते, पर शत्रु राशि में नहीं है, शत्रु राशि में है, मित्र राशि में नहीं है, बट वो केंद्र में बैठा हुआ है। और वीनस को यहाँ पे देखें तो यहाँ त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो वीनस ठीक है, इसका मतलब है विवाह तो होना है। कारक ठीक है, कारक केंद्र में, D1 में भी केंद्र में है, D9 में भी केंद्र में है, तो कारक तो ठीक है, लेकिन भावेश थोड़ा कमजोर हो रहा है, तो ये चिंता दिखाता है कि विवाह के अंदर कुछ तो समस्या हो सकती है, क्योंकि भावेश की वजह से प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। अब हम इसमें D9 कुंडली चेक करते हैं, क्योंकि कब इसके लिए जो वर्क चार्ट चेक होता है वो D9 कुंडली होती है। तो D9 कुंडली के लिए आपको क्या देखना होगा, ये पीछे कुछ लोगों ने फरमाइश भी की है, तो मैं उसका भी बता देता हूँ आपको इसी लेक्चर के अंदर कि D9 कुंडली में हम लोग क्या देखेंगे। D9 कुंडली में हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो लग्न में राशि है वो कौन सी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लग्न में D9 की राशि है वो D1 के 6, 8 और 12 की राशि हो, तो वो गड़बड़ होता है। अगर D9 कुंडली में लग्न कुंडली के 6, 8 और 12 की राशि हो तो वो अच्छा नहीं होता, वो प्रॉब्लम दर्शाता है, एटलीस्ट सप्तम भाव में प्रॉब्लम दर्शाता है विवाह के लिए, क्योंकि अब हम ये कुंडली D9 विवाह के लिए देख रहे हैं स्पेसिफिकली। जब तो हम देख रहे थे स्ट्रेंथ के लिए कि मंगल यहाँ पर ऐसा बैठा हुआ है, मंगल यहाँ पर ऐसा बैठा हुआ है, तो हमें स्ट्रेंथ के देख लिए ग्रह के लिए कि ग्रह की स्ट्रेंथ बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं विवाह के लिए। तो विवाह के लिए D9 कुंडली का हमें पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, और पूरा अध्ययन करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि D9 कुंडली के लग्न में कौन सी राशि है, क्या वो राशि D1 के 6, 8 या 12 भाव की तो नहीं। तो यहाँ देखते हैं तो ये 12 नंबर राशि है, जो कि D9 के 6 भाव की राशि है, इसका मतलब विवाह में संबंधित में कुछ प्रॉब्लम जरूर है। अब इसका आप अगर आप देखें D9 कुंडली में, तो लग्न देखा आपने, फिर आप देखिए लग्नेश, लग्नेश कौन हुआ इसका, जुपिटर हुआ, लग्नेश हुआ बृहस्पति, तो बृहस्पति कहाँ गया, 3रे भाव में बैठा हुआ है। तो अगर लग्नेश केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में बैठा होता, केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में बैठा होता D9 के अंदर ही, तो अच्छी पोजिशन उसकी मानी जाती, लेकिन यहाँ भी लग्नेश 3rd भाव में बैठा हुआ है और सूर्य और शनि के साथ बैठा हुआ है, 2 प्राप्तियों के साथ, तो इसका मतलब विवाह के अंदर प्रॉब्लम है। उसके बाद देखते हैं, तो हमने लग्न देखा, लग्नेश देखा, उसके बाद देखते हैं हम सप्तम भाव। सप्तम भाव हमारा ये वाला है, तो सप्तम भाव में देखते हैं तो वहां पर केतु बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि है, तो राहु केतु एक्सिस में है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है सप्तम भाव भी, सप्तम भाव पर भी पाप ग्रहों का प्रभाव है। सप्तम भाव का स्वामी अगर हम देखें बुध बनता है, बुध गया है केंद्र में, बुध केंद्र में गया है, किस राशि में गया है, शुभ राशि में गया हुआ है, तो ठीक है शुभ ग्रह की राशि में है, बृहस्पति की राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो ये कम से कम ठीक बात बन रही है। 2 जगह प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम थोड़ा ठीक भी नजर, प्रॉब्लम थोड़ा कम भी नजर आ रही है। तो पहले हमने लग्न देखा, फिर लग्नेश देखा, फिर सप्तम भाव देखा। सप्तम भाव में हमें क्या देखना है कि सप्तम भाव का स्वामी
कौन से भाव, सप्तम भाव में कौन से भाव की राशि पड़ी हुई है। अब सप्तम भाव में जो राशि पड़ी हुई है वो डीवन के छठे भाव 12वें भाव की राशि पड़ी हुई है, तो ये भी अच्छी चीज नहीं हुई, यहां भी ये प्रॉब्लमेटिक हुआ। तो डीवन के छठे भाव की, डीवन के 12वें भाव की राशि का सप्तम भाव में होना ये भी विवाह के लिए अच्छा नहीं, डीवन के छठे भाव की राशि का विवाह के लग्न में होना ये भी अच्छी बात नहीं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो थोड़ा बता रहे हैं। तो हमें जब D9 देखें तो लग्न देखें, लग्न में कौन सी राशि पड़ी है वो देखें, लग्न का स्वामी देखें कि वो केंद्र त्रिकोण में गया है या कहां गया है D9 के अंदर ही। फिर सप्तम भाव देखें, सप्तम भाव में कौन सी राशि है वो D1 के कौन से भाव की राशि है वो चेक करें। फिर सप्तम भाव का स्वामी देखें वो कहां गया है, केंद्र त्रिकोण में है तो ठीक है, जैसे यहाँ सप्तम भाव का स्वामी केंद्र में है तो ये ठीक है। सप्तम के बाद हमने देखना चाहिए किसको, कारक को। कारक कौन बनता है इसका विवाह का, शुक्र बनता है। तो शुक्र देखें, शुक्र त्रिकोण में है, हालांकि शत्रु राशि के अंदर है बट शुक्र त्रिकोण में है, ये अच्छी बात है, विवाह तो दर्शाता है, विवाह में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, शुक्र यहाँ पे त्रिकोण में बनता है। और फिर शुक्र से सप्तम देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शुक्र से अगर सप्तम आप देखो तो वहां पे 2 पाप ग्रह बैठे हुए हैं, ये एक थोड़ा नेगेटिव चीज रहता है। तो ये तो चीज दर्शाती है कि विवाह के अंदर प्रॉब्लम तो है ही, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो नवांश कुंडली बनाना आप सीख गए होंगे, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमेशा नवांश कुंडली देखने के लिए लग्न देखें कि लग्न में कौन से D1 की राशि है, लग्नेश देखें देखें, फिर सप्तम भाव देखें कि सप्तम भाव में D1 के कौन से भाव की राशि है, सप्तमेश देखें कि केंद्र त्रिकोण में गया है नहीं गया, फिर कारक देखें, कारक जो भी होगा D9 का कारक शुक्र होता है तो कारक देखा, फिर कारक से सप्तम देखें कि कारक से सप्तम में कौन सी राशि है या कौन ग्रह उसके अंदर बैठा हुआ है, उसके बाद आप वो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कुंडली कैसी है। तो D9 की स्टडी करने के बाद हमें मालूम चला कि विवाह में समस्याएं हैं, तो ये तो बात पक्की है कि इस जातक का वैवाहिक जीवन बहुत सफल नहीं रहेगा, और हो सकता है कि एक से अधिक शादी भी इसकी हो जाए, क्योंकि पाराशर, ऋषि पाराशर जी ने एक प्रिंसिपल दे रखा है बृहद पाराशर में कि जिस भाव में अधिक ग्रह होते हैं या सातवें भाव में जितने ग्रह होते हैं उतने विवाह होते हैं, लेकिन आज के जमाने में तो ये सब चीज संभव नहीं है जिस तरह के लीगल इफेक्ट्स हैं, बट ये तो दर्शाता ही है कि मतलब इस तरीके से आगे जाके अफेयर्स या कुछ ऐसी चीजें उसको भी मतलब काउंट कर लेते हैं। पुराने जमाने में तो विवाह के अंदर कोई बंधन नहीं था तो वो चल जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि एक से अधिक विवाह हो सकता है, दूसरी चीज ये है कि विवाह में प्रॉब्लम तो आएगी, ये भी कोई मतलब सोचने वाली बात इसमें नहीं है। अब इसके बाद अगर हम इसका देखते हैं प्रोफेशन, प्रोफेशन देखने के लिए भी आपको शायद आइडिया हो कि जब भी हम प्रोफेशन देखते हैं, या मैं सोच रहा हूँ कि प्रोफेशन पर अलग से कुंडली बना के ही आपको समझाऊं तो अच्छा रहेगा पूरा डिटेल में, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट यहाँ मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल इन तीनों में जो सबसे ज्यादा बली हो, सूर्य चंद्रमा और लग्न, लग्नेश यानी कि सूर्य चंद्रमा और लग्नेश में जो सबसे ज्यादा बली हो, सूर्य इसका बल है 1.19, चंद्रमा का बल है 1.12 और लग्नेश जो हमारा वीनस है उसका बल है 1.17, तो सूर्य सबसे बली है। तो जो इन सब में तीनों में सबसे ज्यादा बली हो उससे 10वां भाव देखें, तो सूर्य से 10वां भाव देखते हैं तो ये हो गया 7, 8, 9, 10, यहां पर ये आ गया। तो ये इस भाव का स्वामी बनता है शनि, इस भाव का स्वामी को देखें कि वो किस भाव में गया है, नवांश में किस राशि में गया है, तो शनि यहाँ पे शुक्र की राशि में गया है, ये देखिए नवांश के अंदर। तो ये जो बच्चा है ये शुक्र के तरह काम करेगा, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स में, एविएशन में, इस तरह की चीजों में ये रहेगा, मतलब शुक्र की तरह मतलब इसका काम करने का अंदाज रहेगा, क्योंकि इसका जो चॉइस होगी मतलब हमेशा वो हमेशा जैसे ग्लैमरस वर्क, बहुत शुक्र जो है ना ग्लैमरस वर्क बहुत अच्छा हो जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, या आपका एविएशन हो जाता है, या आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो जाता है, डिजिटल मीडिया हो जाता है, तो ये जो शुक्र वाले काम होते हैं, जितने काम होते हैं ग्लैमरस वाले, ग्लैमर में रहने वाले, ऐसे काम करने में ये जातक हमेशा रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि जो सूर्य से 10वें भाव का स्वामी है वो नवांश कुंडली में शुक्र की राशि में गया है, वृष राशि में गया है, और शुक्र की राशि में होने की वजह से तो ये काम शुक्र की तरह से करेगा। तो ये अगर यहाँ पर ये लग्नेश बलवान होता तो हम लग्नेश से 10वां भाव देखते, चंद्र बलवान होता तो हम चंद्र से 10वां भाव देखते, लेकिन चूंकि सूर्य बलवान है इन तीनों में
तो उससे देखा जाता है। तो ये ध्यान रखिए, जब प्रोफेशन देखना हो तो सूर्य का बल देखिए, चंद्रमा का बल देखिए, लग्नेश का बल देखिए, जो सबसे ज्यादा बली हो उससे दसवें भाव को देखिए, और वो दसवें भाव में जो ग्रह बैठा हो या तो उसके हिसाब से, या अगर दसवें भाव में कोई ग्रह ना बैठा हो तो उस भाव का स्वामी जिस नवांश में गया हो उसके स्वामी के हिसाब से जातक जॉब करता है या व्यवसाय करता है। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर अगर आपको कोई और चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपको प्रोफेशन पे अलग से एक कुंडली बना के भी दिखाऊंगा ताकि आपको सारा इसके अंदर आइडिया हो जाए। शायद इसके अंदर मैंने नौंत भाव की भी स्टडी करी है, भाग्य भाव की भी स्टडी हम इसमें कर सकते हैं अगर भाग्य भाव की स्टडी करना चाहें तो। देखिए भाग्य भाव पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन किसकी दृष्टि है? 1, 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि है। तो भाग्य पे शनि की दृष्टि होना या किसी भी चीज पे, किसी भी भाव पे शनि की दृष्टि होना ये थोड़ा अच्छा नहीं होता। वो हमेशा डिले करता है, चीजों को बहुत डिले करके देता है। मतलब जो चीज आपको चाहिए होती है तब आपको नहीं मिलती, लेकिन चीजें आपको डिले करके मिलती हैं, और चीजों को कम करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, बृहस्पति एक्सपेंड करता है, शनि कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये एक अच्छी इसके अंदर चीज नहीं हुई कि शनि की दृष्टि है। इसका जो स्वामी बुध है वो केंद्र में है, ये अच्छा है, केंद्र में होना तो अच्छी चीज, केंद्र में होना अच्छा चीज होती है, लेकिन शत्रु राशि में है ये भी मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि केंद्र में तो गया बट वो मंगल की राशि में है जो कि शत्रु कहलाता है उसका, तो शत्रु राशि में है, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत मतलब नहीं है। पर D9 में अगर आप जाएं तो केंद्र में बुध कहाँ गया है? ये शुभ ग्रह की राशि में गया है। बुध मतलब इसका स्वामी, नाइन्थ भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, भाग्येश नवांश कुंडली में बृहस्पति की राशि में गया है। तो ये एक अच्छी इसके अंदर बात हुई है। कारक कौन होता है भाग्य का? कारक होता है गुरु। गुरु कहाँ बैठा है? गुरु बैठा है केंद्र में और मंगल की राशि में है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। मित्र की राशि के अंदर बैठा हुआ है कारक। कारक को अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा कारक इसका थर्ड भाव में बैठा हुआ है नवांश कुंडली में, और सूर्य और शनि के साथ बैठा हुआ है, ये थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि भाग्य सो रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा भाग्य की बात हम इसमें नहीं कर सकते क्योंकि शनि की दृष्टि है। कारक भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है इसके अंदर, भावेश भी बहुत अच्छा नहीं है, बट ये है कि भाग्य सो इसका रहेगा। लेकिन एक चीज आप इसमें देख सकते हैं कि इस भाव से हम पिता के बारे में भी देखते हैं, तो पिता का कारक होता है सूर्य, सूर्य गया हुआ है आठवें भाव में, तो मतलब इससे ये भी लगता है कि इसके पिता को इसे कष्ट भी रहेगा, तबीयत खराब रहेगी, बीमारी रहेगी, वो भी हो सकती है सूर्य की दशा में, क्योंकि पिता का कारक सूर्य जो है वो अष्टम भाव में गया हुआ है और वो केतु के साथ बैठा हुआ है, राहु केतु एक्सिस के अंदर। तो ये एक छोटी सी चीज हो सकती है। तो हमने इसका देखा कि भाग्य इसका कोई बहुत अच्छा नहीं रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि भाग्य बुरा है, लेकिन बहुत अच्छा भाग्य नहीं कह सकते जातक का। और एजुकेशन के बारे में भी हमने देखा कि बहुत अच्छी एजुकेशन इसकी नहीं है, ग्रेजुएशन के आसपास ये कर सकता है, स्कॉलर कैंडिडेट नहीं है ये। धन भी देखा हमने कि कोई बहुत विपुल धन इसका नहीं है, लेकिन इसका लग्नेश मजबूत है क्योंकि लग्न पे लग्नेश की दृष्टि है, तो लग्नेश इसका मजबूत है। वीनस मजबूत होने की वजह से ये जाकर व्यवसाय कर सकता है अपने जीवन के अंदर, तो व्यवसाय के अंदर ही इसका कार्य हो सकता है। क्योंकि एक चीज अगर आप देखें, क्योंकि 11वां भाव किसका होता है? लाभ भाव का होता है, तो लाभ भाव के स्वामी का 8वें भाव में जाना, 8वां भाव क्या होता है? अचानक लाभ हानि का होता है, अचानक लाभ हानि का। तो लाभ वाले भाव को स्वामी का 8वें भाव में जाना मीन्स अचानक लाभ, अचानक हानि। तो अचानक लाभ और अचानक हानि कहाँ होती है? सर्विस में तो होती नहीं है। सर्विस क्लास आदमी के लिए तो सैलरी मिलती है, उसको 2 दिन छुट्टी ले लिया ज्यादा से सैलरी कट जाएगी। लेकिन जो बिजनेस क्लास लोग होते हैं उनके यहाँ ऐसा होता है कि उनको किसी महीने बहुत अच्छी इनकम हुई, किसी महीने अच्छी इनकम नहीं हुई, अचानक लाभ हो गया, अचानक हानि हो गई। तो ये लाभ भाव के स्वामी का भी अष्टम भाव में जाना दर्शाता है कि ये जातक व्यवसाय कर सकता है, लेकिन करेगा शुक्र की तरह, शुक्र की जो कारक, शुक्र के जो कारक होते हैं उनकी तरह व्यवसाय करेगा। तो आशा करता हूँ ये कुंडली आपको समझ में आई होगी। समझ में आया तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन इससे बढ़ता है। और आगे मैं आपको और दूसरी कुंडली बताता रहूंगा, प्रोफेशन के बारे में बताऊंगा, बाकी चीजों के बारे में भी मैं आपको, चतुर्थ भाव के बारे में, सेकंड धन भाव के बारे में कैसे पूरा डिटेल स्टडी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।